हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है गति। आज हम आपको इसका सॉल्यूशन कराएंगे। ये है हमारा साइंस का सब्जेक्ट, साइंस है ये, साइंस का चैप्टर 12। तो देखो इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखो, निम्नलिखित में गतिशील वस्तु चुनिए, मेज, टीवी, उड़ता पंछी या अलमारी। गतिशील कौन है? उड़ता पंछी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, किसकी गति रेखीय है? गति नहीं है, पंखा, दौड़ता धावक, चलती कार, उड़ता वायुयान। रेखीय गति किसकी नहीं है? पंखा की, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास गा, घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है सरल रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति या वृत्तीय गति। क्या है? दोलन गति। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड या ये मीटर पर घंटा या मीटर इंटू सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें यह है स्तंभ का के कथनों का मिलान स्तंभ खा के कथनों से कीजिए तथा सही जोड़े बनाइए। देखो, कार की गति कैसी है? सरल रेखीय गति। पंखे के ब्लेड की गति वृत्तीय गति। झूले की गति दोलन गति। लट्टू की गति घूर्णन गति, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, दिए गए कथन में सही अथवा गलत में गलत का चिन्ह लगाएं। देखो, का में क्या है? कुमार के चाक में घूर्णन गति होती है, सही। खा में किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई विस्थापन कहलाती है, गलत। गा में घड़ी के पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति होती है, गलत। उसके बाद गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, सही, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु के विराम और गतिशील अवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, और यदि समय के साथ वस्तु में की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, कोई कार चित्रानुसार बिंदु ए से बिंदु बी तथा सी होते हुए बिंदु डी पर 2 घंटे में पहुँचती है, कार द्वारा चली गई दूरी विस्थापन चालकता वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो, कार द्वारा चली गई दूरी विस्थापन चाल तथा वेग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, ए से होती हुई बी सी, ए से होती हुई बी सी डी यहाँ पहुँची है, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर और यहाँ 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम दूरी निकाल लेंगे, ए से डी तक की दूरी कितनी है? 2 प्लस 4, 2। देखो, दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, दूरी ये आ जाएगी 2 प्लस 4 5 प्लस 5, कितनी हो गई? 16। और विस्थापन, ए सी डी तक की दूरी का विस्थापन, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5। देखो, चाल का फॉर्मूला क्या है? चाल का फॉर्मूला है हमारा दूरी अपॉन में समय, ठीक है। समय कितना हो रहा है यहाँ पे? 2 घंटे, 2 घंटे लग रहे हैं, तो दूरी कितनी है? 16। ये टोटल दूरी हो गई 16/2, तो कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। कितनी आ गई हमारी चाल? 8 मीटर। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का दूरी अपॉन में समय। दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5। ये 5 है, 5/2, तो कितना आ जाएगा? 2.5। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन, कोई कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, उसकी औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटे तथा मीटर पर सेकंड में क्या होगी? देखो, दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। समय कितना है? 6 घंटा। तो चाल क्या हो जाएगी? 360/6, यानी कि दूरी अपॉन में समय चाल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 360 किलोमीटर में 360 × 1000 मीटर, ठीक है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, तो 6 घंटे में 6 × 3600 सेकंड, तो हमारी चाल निकल आएगी 360 × 1000/6 × 3600। यहाँ से हम काट देंगे, 3600 से ये 360 से 3600 10 बार जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? फिर 0 से 0 कट जाएगी, 100 ऊपर बचेगा और नीचे 6, ये 50 से 2 बार कट जाएगा, 50 दूनी, और ये 3 से 3 दूनी 6, 3 का भाग 50 में देंगे तो 16.66 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने वाली वस्तु 5 सेकंड में कितना विस्थापन हो जाएगी? देखो, वेग क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। समय क्या है? 5 सेकंड। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापित दूरी अपॉन में समय। तो विस्थापित दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? वो क्या होगा? वेग इंटू समय। वेग क्या है हमारा? 10, और समय कितना है? 5। समय 5 है, 5 सेकंड, और वेग 10, तो 10 इंटू
5 कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन हमारे पास, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी। देखो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, रास्ता अपन में समय, यानी कि दूरी अपन में समय, समय बराबर रास्ता अपन में चाल। देखो रास्ते की कितनी है दूरी, 120 बट्टे में चाल 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 छक्के 120 यानी कि 6 सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दी गई सारणी में समय ग्राफ द्वारा समय दूरी ग्राफ खींचे। देखो दूरी कितनी है, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और समय कितना है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो देखो इसे हम ग्राफ में कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने दूरी का, यहाँ पे हमने दूरी का बना लिया, यहाँ पे समय का। ठीक है, समय में कितने दे रखे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और दूरी में 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, इन दोनों को हम ऐसे ऐसे करके मिला देंगे, ये बन जाएगा ग्राफ इस तरह। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन, यदि 5 मील बराबर 8 किलोमीटर तो कितनी, तो निम्नलिखित को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कीजिए। देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 मील पर घंटा, ठीक है, ये हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, 5 मील बराबर कितना होता है, 8 किलोमीटर और 1 मील बराबर कितना होगा फिर, 8/5 किलोमीटर। तो देखो 1 किलोमीटर पर घंटा में 1000 मीटर अपॉन में 3600 सेकेंड, 2 0 2 0 कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 10 और नीचे 36, इसका इसमें भाग देंगे तो 0.277 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास अगला, इसमें क्या है, 1 मील प्रति घंटा बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा बट्टे में 5, 8 × 1000, 5 × 3600, ये 0 0 कट जाएगी, 4/9 बचेगा, 0.44 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 11 क्वेश्चन है, दिए गए समय दूरी ग्राफ में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमने ग्राफ है ये हमने यहाँ पे बना दिया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है,